जमशेदपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिरसानगर में मकान बनाए जा रहे हैं। पहले फेज में 24 ब्लॉक बनाया जा रहा है, जिसमें 7,635 फ्लैट का निर्माण किया जाना है। उधर लाभुकों द्वारा अब तक ईएमआई नहीं दिया गया है, जिसके कारण फ्लैट के निर्माण में देरी हो रही है। जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया में बन रहे मकान के समीप एक मेला का आयोजन किया गया, जिसमें बैंक, आम जनता और प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। लोगों ने प्रशासन के सामने अपनी बात रखी है। हालांकि कई लाभुकों ने जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया पर मनमानी का आरोप लगाते हुए हंगामा भी किया है। कई लोगों का कहना है कि हमें मकान दिया जाए और उसका इंस्टॉलमेंट हम बैंक को दें। पहले से ये चीज नहीं बोला गया था कि आप लोग गारंटर में 1,15,000 रुपया पहले जमा कीजिएगा, तब बैंक आप लोग 4,31,000 देगा। ये चीज अगर बैंक बोलता तो हम लोग शायद 20-25,000 नहीं खा सकते, ठीक है ना। हम लोग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, सब लोग सुनने को तैयार है ना, बोलने को तैयार। मोदी सरकार घर दे रखा है ना, बैंक तो लोग देंगे ना किस्ती के हिसाब से। जो लोग 4,31,000 देगा हम लोग को, 6,81,000 का जो घर है और 4,31,000 जो देगा हम लोग तो लोन चुकाते रहेंगे ना। हम लोग थोड़ी बोले कि हम लोग को घर पहले दे दीजिए। अभी क्या प्रॉब्लम? अभी ये प्रॉब्लम है कि भाड़ा घर में रहते हैं, ठीक है ना, खर्चा तो पड़ता ही पड़ता है, रोज कमाते हैं, रोज खाते। अभी हम लोग 1,15,000 रुपया चैलेंज है, एक तरह का चैलेंज है। 1,01,000 रुपया किसी भी गरीब आदमी को बोल दीजिए कि 2 महीने में जमा कर दे, जो साल भर में कमाने वाला आदमी है वो नहीं कर पाएगा। ये पूरे भारत की स्थिति बता रहा हूँ। तो इसका मतलब है अंधकार पे ग्राहकों को ये जबरदस्ती हो रहा है, गरीब के नाम पे धोखा। हाँ, ये इसी तो आप बोल सकते हैं गरीब के नाम पे धोखा, हम तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम कहेंगे इसमें सुधार चाहिए। ये आपने जो कहा था कि इस तरह से किस्त चलेगा, उस पर आप करिए, उस पर कोशिश करिए। वो इसी तरह से लोग पहले से प्लान किए हुए ना कि हाँ इस तरह से प्लान बना हुआ, हम उस तरह से काम करेंगे। तो इसमें क्या गरीब लोग आप ले सकेंगे? लग रहा है अब 1,01,000 रुपया गरीब के पास होगा तो ले सकेंगे। आज हम लोगों ने एक आवास मेला का आयोजन किया है पीएमएवाई वर्टिकल 3 के लाभुकों के लिए। जैसे आपको पता है कि यहाँ पे पूरा 32 ब्लॉक बनाया जाना था, जिसमें करीब 9,557 ड्यूएल हाउसेस होते, लेकिन फिलहाल हम लोगों ने 24 ब्लॉक में काम शुरू किया है और इसमें 7,337 घर को हमको बनाना है। तो उसमें मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहला 5,000 रुपया में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अनइंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं कर रहे हैं। पहला इंस्टॉलमेंट उनको 20,000 रुपया करना है, दूसरा इंस्टॉलमेंट उनको 1,01,500 करना है, इसी प्रकार तीसरा और चौथा इंस्टॉलमेंट का पेमेंट उन्हें करना है। कुल मिला के एक घर जो एक अगर फ्लैट की हम बात करें तो उसका लागत 6,81,000 रुपया आ रहा है, इसमें 4,31,000 रुपया लाभुक को पेमेंट करना है। तो लाभुक अभी तक 5,000 रुपया में रजिस्ट्रेशन करा के या 20,000 रुपया पेमेंट करके बैठ गया, लंबे समय तक उन्होंने अपना अगला किस्त का पेमेंट नहीं किया, जिसके कारण हमारा ये प्रोग्रेस जो घर का बनना था काफ़ी रुक गया। तो फिर से आवास मेला मैंने आज आयोजन किया है और यहाँ पे न्यू